चलिए, ये तो हमने छह राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब इसी के साथ कुछ सवाल जो दर्शकों के ही हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर क्या होता है कि लोगों के फेस के स्ट्रक्चर को देखकर, चेहरे को देखकर बता दिया जाता है कि वो इंसान कैसा, उसका व्यक्तित्व बता दिया जाता है। ये किस तरह से संभव होता है, किस तरह से उसके चेहरे को देखकर हम बता सकते हैं? जी, तो इस जो ये फेस से चीज़ें बताने की जो साइंस है, जो लॉजिक है, इसको फेस रीडिंग कहा जाता है। जहाँ पे आपके फेस में जो आपके साइन है, फेशियल फीचर्स जो आपके हैं, उसको देखते हुए बताएंगे कि इस तरीके का व्यक्ति, जिसकी आंखें ऐसी हैं या जिनके होठों की शेप ऐसी है या माथे की लाइंस इस तरीके की हैं, तो उसका नेचर कैसा होगा। तो जनरली जब हम फेस रीडिंग की बात करते हैं तो हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, कैसा जो व्यक्ति है उसका नेचर कैसा होगा, वो किस स्वभाव का होगा, उनकी जिंदगी में क्या परेशानियां आएंगी, क्या खुशियां आएंगी, तो उस साइंस को फेस रीडिंग कहा जाता है और ये काफी मायने रखती है, इससे काफी प्रभाव पड़ता है। चलिए, ये तो हमने बताया कि कैसे कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी को देखकर कैसे बताया जा सकता है उसके फेस को देखकर, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बता सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। अगर किसी के चेहरे देखते हैं तो हम सबसे पहले आंखों पर ध्यान देते हैं। आंखों की शेप से आपको पता चल सकता है कि वो व्यक्ति कितना क्रिएटिव है, या वो व्यक्ति आप अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में अगर किसी से मिलते हैं तो आप पता लगा सकते हैं सिर्फ आंखों से कि वो आपके, अगर कोई आप उनसे काम करवाना चाहते हैं तो वो काम करेंगी नहीं, कितने लॉयल वो हैं। तो अगर हम आंखों की बात करें तो अगर आपकी आंखें बहुत राउंड है, तो जिनकी आंखें गोल होती हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की आईज होती हैं, अगर किसी की एलमंड आईज है जिसे कहा जाता है बादामी आंखें, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं। जैसे अगर आप अपनी आंखों की शेप देखें तो आपकी आंखें मेरे हिसाब से एलमंड आईज ऐसी हैं, बादामी आंखें इस शेप को कहा जाता है, तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो आप ये, क्योंकि एक बहुत बड़ी साइंस है, आप इसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, फेस के ऊपर कहाँ पे कौन से आपकी, जो बहुत बार हम लोग, क्योंकि आजकल तो हम लोग अपने चेहरे को नेचुरल रख ही नहीं रहे हैं, हम लोग अपने फेस में या अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो अब बहुत नेचुरल तरीके से नहीं रहा है हमारा फेस, या बहुत लोग जब फेस की लाइंस भी आती है, फॉरहेड में किस जगह पे लाइंस आ रही है, कहाँ पे, पहले कहा जाता था किसी का माथा बहुत चौड़ा होता है तो उसके पास बहुत पैसा होता है, ये आज भी बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन आजकल बहुत लोगों के जो हेयर लॉस है वो बहुत जल्दी होने लगता है, तो माथा उस वजह से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो बहुत चौड़े माथे का बच्चा है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जो सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त कर लेता है। और अगर हम बात करें, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारी, आपने कहा कि चेंजेस आते हैं, आर्टिफिशियल चेंजेस जिसको हम बोल दें तो शायद सही वर्ड होगा, क्योंकि फैक्ट्स के बारे में बात करें तो फेस रीडिंग पर्टिकुलर चीज़ों को बता सकती है कि फैक्ट्स के साथ, जैसे कि आपने आंखों को लेकर बात किया या हम जो फोरहेड पे लाइंस आती हैं, तो ये आगे भविष्य हमारे जीवन का कैसा रहने वाला है, ये सटीक तरीके से बताती है। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत देश में बहुत गुणवान और बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ माथे की, जिनको हाथों की लकीरों की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ माथे की लकीरों से वो बता सकते हैं आपको कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप कितना स्ट्रगल करेंगे और कितने आपको चीजें, आप लग्जरी अपनी लाइफ में लेके आ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने फेस रीडिंग को लेकर बात कर ली कि किस तरह से किसी के फेस को हम रीड करें और क्या बताता है उसका फेस, लेकिन अगला एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, जैसे कि आज के वक्त में हम बात करें, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उसको लेकर हमने बहुत बार बातें की हैं, लेकिन खासतौर पर फीमेल्स को लेकर हम बात करेंगे। अक्सर होता है जितनी भी सासें होती हैं अपनी बहू से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो पूरा श्रृंगार करके रहें, सिंदूर बिंदी जो भी सुहाग की निशानियां होती हैं वो पहने, ऐसे में क्या क्या जरूरी होता है? पहले तो मैं आपके जरिए ये बताना चाहूंगी कि मैरिड जो फीमेल है उनके लिए क्या क्या जरूरी है। जब भी आप देखेंगे, आप कोई भी मैरिड, अगर हम किसी देवी की बात करें, अगर माँ दुर्गा हैं और अपने मैरिड अवतार में है माँ पार्वती जी, तो आप देखेंगे कि किस तरह से, अगर हम मूवीज में या किसी चीज में भी देखें, तो किस तरीके से हमारे, अगर कोई ग्रंथ है उसमें भी कभी किसी देवी को एक्सप्लेन किया गया है तो पूरे श्रृंगार के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और हमारे जो भी श्रृंगार हैं, जो भी हमारे 16 श्रृंगार कहा जाए या जो भी हमारे बेसिक श्रृंगार है,
इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी है। अगर हम शुरुआत करें बिंदी के साथ, तो अगर हम सेंटर पॉइंट पे अपनी बिंदी लगाते हैं, आप ये देखिए, क्योंकि हम चक्रास की बात कर चुके हैं, अगर आप अपने फॉरहेड के सेंटर में, यहाँ पे हमारे थर्ड आई का स्पेस कहा जाता है, अगर आप अपनी थर्ड आई, क्योंकि एक जो फीमेल है उसने पूरा घर चलाना है, तो उनकी जो सिक्स सेंस है, वो आप हमेशा, कभी आपने सुना है कि फीमेल्स की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, हमारी माए कभी हमें कुछ बोलती है कि ये आप करना, और वो चीज हो जाती है। कैसी हमारे माओ की, हमारी घर की जो बड़ी फीमेल्स हैं, उनकी कैसे सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है। अगर आप बिंदी लगा रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं, सिर्फ यहाँ बिंदी लगाने से आपके चक्रास बहुत एक्टिव होते हैं, आप कौन से कलर की बिंदी लगा रहे हैं ये भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम लोग नॉर्मली लड़कियां रेड, मरून, येलो, इन कलर्स की बिंदी यूज करती हैं, क्योंकि हम टीका लगाते हैं रेमेडियल तौर पे, और हम बोलते हैं कि अगर आप लाल रंग का टीका लगाते हैं तो आपकी जो फोकस है वो स्ट्रांग होता है, पीले रंग का लगाते हैं तो आपका दिमाग बढ़ता है। तो सोचिए बिंदी, एक छोटी सी बिंदी कितनी चीजें कर सकती है। बिंदी का कलर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बिंदी के कलर के बारे में एक बार हम बता देते, क्योंकि आप शायद दर्शक कंफ्यूज हो जाए कि कौन से कलर की वो बिंदी लगाए जो शुभ हो, तो कौन से कलर की बिंदी लगाना अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो फीमेल्स है वो मैचिंग बिंदी लगाती है, तो जो कपड़े पहने उसके हिसाब से लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी शुभ अवसर पर जा रहे हैं तो कोशिश करिए काले रंग की और नीले रंग की बिंदी अगर आप अवॉइड कर सके। अगर आपकी ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा मैचिंग है तो कोशिश करिए कोई और दूसरा रंग लगा लीजिए, काले और नीले रंग की बिंदी अवॉइड करें कोई बहुत शुभ अवसर है तो। अगर हम लाल रंग की बिंदी लगाते हैं, ये सुहाग की निशानी तो है ही, साथ ही साथ रेड कलर आपके हस्बैंड की रक्षा भी करेगा। जो भी हम श्रृंगार करेंगे वो फायदे हमेशा हमारे हस्बैंड को जरूर मिलेंगे। तभी हम सिंदूर लगाते हैं, पहले जो जमाना था उसमें कहा जाता था सिंदूर सेंटर में लगाते हैं और पीछे तक लेके जाते हैं। आजकल तो लड़कियां जिस डायरेक्शन में मांग निकालती हैं उसी डायरेक्शन में वो लोग सिंदूर लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपकी जो सिंदूर आप लगाएं माथे के हमेशा सेंटर में लगाएं, और सिंदूर चाहे आप इतना सा लगाएं लेकिन हमेशा अपना जो हाथ है सिंदूर लगाते समय पीछे तक लेके जाएं, क्योंकि आपकी मांग, अगर आपके हस्बैंड को, या आप एक रेमेडी करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड को फाइनेंशियली कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप सिंदूर लगाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही सही चीज आप बता रहे हो। इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर देती हूँ कि सिंदूर और पति के प्यार का कनेक्शन और उनकी ग्रोथ का कनेक्शन होता है, और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि आप जब बाल धोते हैं और उसके बाद सिंदूर लगाना शुभ होता है, तो ये फैक्ट है क्या, ऐसा सच है, ये भी जानना चाहेंगे। सिंदूर की और पति के प्रेम की अगर हम बात करें तो पति आपके साथ प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ में उनकी ग्रोथ भी बहुत होगी अगर आप सिंदूर लगाते हैं और सही तरीके से लगाते हैं। सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड को कोई इश्यूज आ रहे हैं, 40 दिन आप कंटिन्यूसली सिंदूर लगाइए। जितना आप ग्रोथ करेंगे, जितनी आप सिंदूर ऐसे लगाएंगे उतनी आपके हस्बैंड की ग्रोथ होगी। और आप पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ लगाइए अपने पति का नाम लेके, या अपने पति से अगर आप लगवाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा सिंदूर लगाते समय नाक पे गिर जाए तो बहुत अच्छा होता है, या जैसे अभी आपने पूछा कि गीले बालों में सिंदूर लगाते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा हो कोई भी, तो उसके बाद सर धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके चक्रास, कोई भी अगर आप हवन करते हैं, कोई शुभ आपने व्रत रखा है, तो उसके अगले दिन सर जरूर धोएं, क्योंकि इससे आपके चक्रास और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि आपने कोई भी पूजा की, कोई भी मंगल कार्य किया, तो आपके चक्रास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप सर धो लीजिए उसके अगले दिन, और फिर भी आप सिंदूर लगाते हैं तो भी उससे काफी फायदे होते हैं। चलिए आगे हम श्रृंगार के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बाकी की जो राशियां बची हुई हैं, क्योंकि आगे के दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनका राशिफल कैसा रहने वाला है, दिन कैसा जाने वाला है, वो बताएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, अटके काम भी पूरा होने का दिन है, छात्रों को परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, किसी दोस्त से आज के दिन आपको अच्छी सलाहें भी मिल सकती हैं, नौकरी में काम की वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दें। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग बैंगनी। वृश्चिक राशि,
आज भाई के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, काम के दबाव की वजह से थोड़ा तनाव भी रह सकता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की आज आप जांच जरूर करवाएं, बिजनेस में नए आइडिया पर भी काम करने की जरूरत है, लव लाइफ में पार्टनर को समय देना जरूरी है, दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग आसमानी। धनु राशि, घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा, घर में किसी मेहमान का आना भी हो सकता है, बिजनेस और जॉब में आज सफलता मिलने का दिन है, आपके काम की तारीफ भी होगी, मार्केटिंग के काम में आज लाभ मिलने का दिन है, बदलते मौसम से आपने अपने आप को बचा के रखना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग सफेद। मकर राशि, पैसों की समस्याएं अब आपकी दूर होने वाली हैं, वैवाहिक जीवन भी खुशनुमा रहेगा, आज काम भी समय पर पूरे होंगे, निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं, सेहत में लापरवाही बिल्कुल ना करें, दिन को बेहतर बनाने के लिए तुलसी जी को दूध अर्पित करें, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग क्रीम। कुंभ राशि, करियर को लेकर आज आपने गंभीर रहना है, जॉब में कोई गुड न्यूज मिल सकती है, बिजनेस में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप आज के दिन, दिखावे की वजह से फिजूल खर्ची में बिल्कुल नहीं पड़ना है, कानूनी काम में सोच समझ कर फैसले लेने हैं, कोई पुरानी बीमारी थोड़ा परेशान कर सकती है तो आपने अपना ध्यान रखना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग पीला। मीन राशि, ऑनलाइन शॉपिंग में आप मजेदार समय बिताएंगे, इमोशन में आकर कोई फैसले ना लें, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आज समय बिताएंगे, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो अभी आप टाल दें, कोई भी निवेश करने से पहले जांच जरूर कर लें, दिन को बेहतर बनाने के लिए देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें, शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग गुलाबी। चलिए, तो हमने सभी राशियों को लेकर बात कर ली, जैसा कि हमने बिंदी को लेकर बात की थी, श्रृंगार को लेकर हम बात कर रहे हैं खास तौर पर, तो बिंदी के बारे में हमने बात की, हमने सिंदूर के बारे में बात कर ली, आपने 16 श्रृंगार का जिक्र किया, क्योंकि आजकल क्या है, ज्यादातर फीमेल्स वर्किंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, इतना नहीं कर पाती है, तो कहा यह जाता है कि आप एटलीस्ट उस वक्त पर श्रृंगार कर लें जब आप पूजा में बैठते हैं, तो किस किस वक्त जरूरी है, क्योंकि हर टाइम तो 16 श्रृंगार पॉसिबल नहीं है, तो ये भी बताएंगे जी। अगर किसी पूजा के लिए आप रेडी हो रहे हैं तो श्रृंगार होना बहुत जरूरी है, अगर आप लक्ष्मी जी के व्रत रख रहे हैं तो भी आपको श्रृंगार अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे क्योंकि हम पैसे को लेके रेमेडीज हम जरूर बताते हैं, तो अगर आप लक्ष्मी जी की व्रत रखते हैं या लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनसे जुड़े कोई भी अगर आप पूजा करते हैं तो श्रृंगार बहुत जरूरी है, आप कभी भी किसी भी लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखिए, उनके श्रृंगार आपको हमेशा हर मूर्ति में पूरे मिलेंगे, तो अगर आप ऑफिस वर्किंग भी हैं तो कोशिश करें कि आप कोई ना कोई, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि लड़कियों के कान भी बिल्कुल खाली हैं, माथे पे बिंदी भी नहीं है, तो वो मैरिड, जो मैरिड होने के पहले साइन होते थे कि हाँ जी देख के पता चलता था कि ये लड़की मैरिड है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं लड़कियां, लेकिन अगर आप बिंदी लगा रहे हैं, आपके गले में कुछ होना चाहिए, कान में कुछ होना चाहिए, आप पैरों में पायल, अगर आप बिछुए नहीं पहन सकते हैं तो आप पायल पहन सकते हैं, तो ये जो बेसिक श्रृंगार है ये तो आप अगर जैसे भी आपका जॉब आपको अलाउ करे अगर आप ये पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि आप नाक छिदवा सकते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो आप वर्किंग भी हो, हमारे धर्म में बहुत ऐसे रिलीजन भी है जहाँ पे लड़की का शादी से पहले नाक छिदा होना बहुत जरूरी है, अगर आपका नोज पियर्स नहीं है तो शादी बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती, ऐसी भी मान्यताएं हैं, तो अगर आपका नोज आप पियर्स करवा सके शादी के समय तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानेंगे, क्योंकि बिंदी हमने जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए हमने बात की, लेकिन अक्सर क्या होता है जैसे कि कोई अनमैरिड है तो वो काली बिंदी लगा लेती हैं या फिर वो भी बिंदी लगाती हैं, तो ये भी बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, काली बिंदी अशुभ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं या आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, तब आपने ये रंग अवॉइड करने, अनमैरिड
लड़कियां किसी भी तरीके की बिंदी लगाएं, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी पूजा तो अनमैरिड लड़कियां भी करती हैं, तो आप अगर काली बिंदी वैसे आपने कभी लगाई है, जैसे हमने आज एक साड़ी पहनी है, तो अब मैंने ब्लैक ना लगा के आज मरून बिंदी लगा दी, तो हम वैसे ही कोई दूसरा कलर अगर हम लगा सकें तो हम लगा सकते हैं, वरना काली बिंदी को हम अशुभ बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन शुभ कार्यों के लिए आप ब्लैक और ब्लू, डार्क नेवी ब्लू जो कलर होता है, वो अगर आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए, मेरा एक और भी सवाल है, क्योंकि आज के टाइम पर हमने देखा है बहुत सारी फीमेल्स हैं मंगलसूत्र गले में ना पहनकर उनका ब्रेसलेट बनवा लेती हैं, बहुत ट्रेंडिंग भी है और कई तरह के डिजाइन भी आते हैं, तो इसको कैसे हम देख सकते हैं? अब मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र जो आपके मंगल के लिए, आपके हस्बैंड के मंगल के लिए आपके हस्बैंड आपको पहनाते हैं शादी के दिन, तो अगर आप उस इस पवित्र बंधन को हाथ में पहनते हैं और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से पहन रहे हैं कि कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहां आप नहीं पहन सकते, तो इसे लेफ्ट हैंड में तो बिल्कुल ना पहने। जो हम हाथ में पहनते हैं जनरली हम उसे नजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, नजरिया उसे कहा जाता है, जिसपे काले मोती के साथ जो मंगल सूत्र में भी होता है, काले मोती के साथ कुछ हम लोग गोल्ड या जैसे भी मेटल आप यूज करना चाहें, तो वो हम नजरिया के तौर पे पहनते हैं, लेकिन मंगल सूत्र और नजरिया का काम बिल्कुल अलग है। तो अगर हम इस चीज को अवॉइड कर सके, आप मंगल सूत्र रोज नहीं पहन सकते वो चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसे हाथ में ना पहने, क्योंकि जो उस चीज का जो उसका अफेक्ट है, जो जिस चीज के लिए आप उसे पहन रहे हैं वो हाथ में नहीं, वो मंगलसूत्र आपके गले में पहनना ज्यादा जरूरी है या ज्यादा बेहतर है। बिंदी के कलर्स के बारे में बात कर ली, अब क्या है बहुत सारी फीमेल्स को शौक होता है चूड़ी पहनने का, कलरफुल बैंगल्स डालने का, और हमारे शास्त्रों में खासतौर पर अगर हम हिंदू शास्त्रों में बात करें तो हरी और लाल चूड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व है। पहले तो हम ये हरी और लाल चूड़ी के पीछे क्या क्या फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। लाल कलर को तो हम सब जानते हैं सुहाग के साथ जोड़ा गया है, ऐसे ही हरे रंग और लाल रंग का जो कॉम्बिनेशन है खुशहाली और प्यार का प्रतीक है। हरे रंग को बहुत बार हम लक्ष्मी से, धन से भी जोड़ते हैं। लक्ष्मी माँ की अगर आप पूजा करें तो आप उस दिन लाल चूड़ी पहन सकते हैं, या अगर आप कभी भी कोई भी इस तरीके की दिवाली की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे ग्रीन और रेड का जहाँ कॉम्बिनेशन आता है, ये कलर हमारे हार्ट चक्रा का भी है। अगर आपको लगता है कि इमोशंस में जहां गड़बड़ है तो वहां आप ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन जब भी लाएंगे एक बहुत अच्छा बैलेंस आता है। हिंदू धर्म में चूड़ियों की तो बहुत ज्यादा मान्यता है ही, कोई भी शुभ कार्य होता है, आजकल की हम लड़कियां जो हैं वो हम चूड़ियों में उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते शायद, लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि आप फेस्टिवल के लिए रेडी होंगे तो हमारा भी मन करता है कि हम चूड़ियां पहने। बिल्कुल, जो चूड़ियों की खनखन है उससे बोला जाता है कि लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती हैं, पायल की जो साउंड है इससे भी लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होके आती हैं। तो ये जितनी भी अच्छी साउंड्स हैं, चाहे वो हम जब पूजा करते समय घंटी बजाते हैं, हाथों की चूड़ियां हो, तो जहां भी खनखन आपके घर में रहेगी तो हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, चूड़ियों को लेकर मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है जैसे वर्किंग वुमेन को लेकर हम बात कर ही रहे, तो चूड़ी क्या है, एक एक चूड़ी डाल ली, दो दो चूड़ियां डाल ली, तो ऐसे में हम वो सही तरीका बताएंगे ताकि नुकसान भी ना हो और जो फीमेल है उनका शौक भी पूरा हो जाए और रिवाज भी पूरा हो जाए। अगर आप दो दो चूड़ी भी पहनते हैं तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, आप किसी भी तरीके के जो भी आपका कंफर्ट हो उससे पहन सकते हैं। कांच की चूड़ियां पहनना सबसे ज्यादा शुभ है। कांच की चूड़ियां क्या कोई संख्या होती है या फिर हम एक या दो डाल सकते हैं चूड़ी? जब भी हम चूड़ियों की बात करेंगे तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में तो आते ही हैं कि दो, पांच, सात। अब जैसे मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर आप दो चूड़ियां पहन सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा हाथों में कुछ पहनना, आप दो चूड़ी पहन सकते हैं, पांच पहन सकते हैं या नौ पहन सकते हैं। नौ चूड़ियां बहुत शुभ होती हैं। नौ के अलावा जैसे कि कई बार क्या होता है एक चूड़ी डालकर चले गए और लोग कहते हैं कि एक चूड़ी नहीं डालना चाहिए, एक चूड़ी क्योंकि सुहाग की निशानी है ना तो जोड़े में होनी चाहिए, तो इसीलिए अगर आप दो पहने तो ज्यादा शुभ है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये तमाम चीजें बताने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि आज जो मैरिड वुमेन हैं, जो घरेलू गृहिणी हैं, उनके लिए ये एपिसोड बेहद खास रहा, क्योंकि हमने उनको वो उपाय भी बता दिए कि कैसे अपने घर को शांत रख सकती हैं और कैसे वो अपने श्रृंगार को पूरा कर सकती हैं। अगर वर्किंग है तो उनके लिए ये एपिसोड बेहद खास है। इसी के साथ गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।